ताज़ा न्यूज़ के लोकल कवरेज में हम देखेंगे दिन भर की कुछ खास बड़ी लोकल खबरें। तो सारी खबरों को डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़। आज की पहली खबर है कि अस्पताल से शव गायब होने के मामले में निलंबित चल रहे संजय गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश पटेल को बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल से एक युवक का शव गायब होने का मामला सामने आया था, जिसके चलते संजय गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश पटेल को निलंबित कर दिया गया था। अगली अपडेट है कि महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी स्टैम्प ड्यूटी को कम कर दिया गया है। नगरीय क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर अब 3% लगने वाले स्टैम्प ड्यूटी को घटाकर 1% कर दिया गया है। अगली खबर है कि सीधी में एटीएम में नोट डालने वाले कंपनी का कर्मचारी कैश वैन के साथ 39 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। बैंक प्रबंधक ने कोतवाली पुलिस को इस मामले की सूचना दी है। अब हम आपको बताते हैं एक चौंकाने वाली घटना जो कि बहुत अजीब भी है। इंदौर में एक 12 वर्षीय बच्चे ने गेम हारने की वजह से एक 10 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी। ये घटना देश में अपनी तरह का पहला मामला है। अगली खबर पुलिस की तरफ से एक चेतावनी है। हाल ही में हाईवे में लूटपाट की वारदात बढ़ती जा रही है। लूटपाट करने वाले लोगों ने लूटने का एक नया तरीका निकाला है। अभी तक आपने देखा होगा कि हाईवे पर आपकी गाड़ी को रुकाने के लिए लिफ्ट लेने का बहाना किया जाता था, लेकिन अब हाईवे पर लूटपाट का एक नया तरीका सामने आया है, जिसके चलते पुलिस के पास काफ़ी कंप्लेंट्स भी आई हैं। तो क्या है वो तरीका, आइए हम बताते हैं आपको। पुलिस ने आम जनता को चेतावनी दी है, हाईवे पर लॉकडाउन के कारण लूट का नया तरीका निकाला गया है। अगर आप हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पीछे वाली गाड़ी आपके नंबर प्लेट से आपकी सारी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर फ़ोन के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वो आपको आपके नाम से आवाज़ देकर आपको रुकने के लिए कहेंगे। आपको लगेगा कि कोई आपके पहचान का है और आप गाड़ी रोक देंगे, जिसके बाद वो आपके साथ लूटपाट कर सकता है। इस तरह के कई मामले पुलिस के पास आए हैं, इसलिए पुलिस ने हाईवे पर ट्रेवल करते वक्त आम जनता को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी तरह की लोकल अपडेट्स के लिए हमारे ताज़ा न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।